देख सकते हैं, ये हर साल जो है बताया जा रहा है कि हर साल जो है ये ऐसा ही मूर्ति बनता है। यही है मस्ती टाइम। सो हम लोग एक एक करके मारेंगे, चलो एक एक करके किसका लगता है। हाँ, इसका नहीं लगा, मेरा। ए तुम धरो, एटा धरो, लग लो ना। ए नीचे बसो। नहीं, एबार रंजितर पाला आदि दो। ए लागी नीचे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ कैलकाटू कोलकाता, और मैं हूँ आपका दोस्त रंजीत। आज जिस जगह में हम आए हैं ना, वो इतना दूर है कि क्या हम बताएं। चलिए बात करते हैं जगह का नाम है काटुआ, जो कि आप हावड़ा से आए या सियालदा से आए, आपको 3 से 3.5 घंटा लग जाएगा यहाँ पे पहुँचने में। अब आप बताएंगे कि इतना दूर आए क्यों है, पूजा तो ख़त्म हो गई। बट नहीं, हमारे बंगाल में पूजा जो है काफ़ी देर बाद ख़त्म होता है। तो काटुआ जो है ये जाना जाता है कार्तिक पूजा के लिए, तो और 2-3 दिन बाद ही है कार्तिक पूजा। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे पूजा का क्या प्रिपरेशन चल रहा है। और इस साल जो है काटुआ में बहुत ही खूबसूरत कुछ पंडाल बन रहा है, तो देखते हैं कितना दूर तक हम कवर कर सकते हैं। सो संग में रहिए। और एक बात, घर से इतना दूर आए हैं भाई, तो इतना दूर वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट करो भाई, सब्सक्राइब करो, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी तक जो है मेरा फैमिली जो है यूट्यूब में अभी तक ग्रो अप नहीं हुआ है। सो ये हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करके सीधा मुद्दे पे आते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का प्रिपरेशन। और मैं एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ यहाँ का जो है एक रूट मैप बनाने का। सो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं क्या पंडाल बन रहा है और संग में रूट मैप। तो भाई आ गए हैं, देखिए ये पीछे भाई है मेरा, तो इन्होंने ही कॉन्टेक्ट किया था, और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है आकाश ब्लॉग 02। तो चलिए चलते हैं, भाई का घर है। वो क्या है कि मेरे संग जो मेरे फ्रेंड है, आपको तो पता ही है बैकबेंचर स्ट्रीट, तो वो भी आ रहा है, उसका जो 1 मिनट के लिए आज जो है ट्रेन मिस हो गया, उसके लिए वेट करते हैं। तो फिलहाल हम लोग भाई के घर में जा रहे हैं, भाई के घर सामने ही है, एकदम स्टेशन से बगल में। फिलहाल जो है हम लोग है काटुआ बस स्टैंड, और वहाँ से हम लोग जाएँगे सीधा पानूहाट। तो चलिए चलते हैं पानूहाट, बस देख के वहीं पर जाके दिखाते हैं वहाँ पर क्या बना है इस साल। सो संग में रहिए। सो ये है बस स्टैंड, और हम लोग यहाँ से जो है टोटो पकड़ेंगे। सो चलिए दिखाते हैं उसके आगे आएगा प्रोसेस। सो सबसे पहले जो पंडाल में हम लोग विज़िट किए हैं वो है पानूहाट यंगस्टर, और यहाँ पे एक साथ जो है 2 पंडाल बन रहा है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 पंडाल एक साथ बन रहा है, बट यहाँ पे मिडिल में से एक डिवाइडेशन बनाया जाएगा, क्योंकि उस पार एक अलग कॉमेडी का पूजा है और इस पार में एक अलग कॉमेडी का पूजा। सो चलिए दिखाते हैं आपको। सो ये जो जगह है ये है इंदिरा पार्क, और अभी हम लोग आए हैं पानूहाट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यंगस्टर क्लब में, यहाँ पे अभी तक काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ। सो चलिए ये सब जो चीज़ देख रहे हैं, ये सब झूड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, ये बांस का बनता है, और अंदर भी है। ये देखिए ये सारे जो है ये झूड़ी से ही बनाया गया है, और ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सब ये दुर्गा गणेश लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक वही यहाँ पे जो सजाया जाएगा, ये सारे जो है यहाँ पे यहीं पे फिट होगा, उसके बाद ही इस पंडाल का जो खूबसूरती है वो बाहर आएगा। तो चलिए इसके बगल वाले पंडाल को दिखाते हैं वहाँ पर क्या बन रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं बगल में एक पंडाल हो रहा है, इसी के बगल में ये बड़े पंडाल हो रहा है, और ये भी पंडाल जो है काफ़ी खूबसूरती से बनाया जा रहा है। सो चलिए दिखाते हैं। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है चोटा से ये चीज़ को बनाया जा रहा है, जो बांस का लकड़ी का होता है उसी चीज़ से ये बनाया जा रहा है। सो ये एक मंदिर के शेप में इसको बनाया जा रहा है, और जो ये पूरा जो है इस चोटा का काम किया जा रहा है, बांस का जो ऊपर का छिलका है छिलका निकालने के बाद ही इसको बनाया जाता है। सो देख सकते हैं।
सो यही है इंदिरा पार्क पानूहाट, यहाँ का पूजा। सो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेके सीधा इसके बाद जो है हम लोग दूसरे पंडाल की तरफ जाएंगे। सो चलिए संग में रहिए और चलते हैं हम लोग दूसरा पंडाल की तरफ। सो यहाँ से जो हम लोग का जर्नी है वो हम लोग सीधा जो पंडाल में तरफ जाएंगे वो है झोंकार। झोंकार ये नाम है यहाँ का पूजा कमेटी का, जो क्लब का नाम है वो है झोंकार। सो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेके सीधा चलते हैं झोंकार। सो आ गए हम लोग झोंकार में। ये जो पंडाल है ये एकदम पूरा जो पानी के ऊपर ही बनाया गया है। तो हमें निचि कदा हमें एकटूखानी निचि। सो देख सकते हैं ये पंडाल है बड़ा काफ़ी सुंदर। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पानी में सब उतर के यहाँ पे जो है वाइट कपड़ा लगाया जा रहा है। एक देखने वाली बात है कि ये पंडाल के जो पीछे है ना पूरा जो है ये बंदर लपक रहा है। कैमरा ना छीन के भाग जाए हमारा, भागो यहाँ से। सो देख सकते हैं पीछे जो है ये झोंकार पंडाल है। और चलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पंडाल की तरफ। इसके बाद हम लोग जाएंगे सबूज पत्ता ग्रीन लीफ। सो चलिए चलते हैं संग में रहिए। तो ये है सबूज पत्ता क्लब और यहाँ पे जो इस साल पंडाल बन रहा है वो है बद्रीनाथ। ये जगह का नाम है मोनोशा पाड़ा, थाना रोड के ऊपर पड़ता है ये जगह। तो यहीं पे बन रहा है जो चार जो धाम होता है उसमें से एक धाम है जो है बद्रीनाथ। सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है ये सामने एक पौंड है और यहाँ पे बन रहा है बद्रीनाथ। सो चलिए चलते हैं दिखाते हैं आपको। बस इतना ही रेडी हुआ है इसलिए इसका ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं कर रहे हैं। जब रेडी हो जाएगा तो तब हम लोग आके इसका वीडियो कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यही था बद्रीनाथ। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पंडाल की तरफ। हम लोग पैदल चलते चलते आ गए काटवा लेलिन सोरोनी। तो घूमते घूमते हम लोग आ गए काटवा पौरसभा और वहीं से हम लोग अंदर जा रहे हैं। सो यही है जहाँ पे बन रहा है विक्टोरिया। जगह का नाम की पावना कॉलोनी। और की होच्छे एखाने होच्छे ठीक तो 100%। अभी जो है हम लोग है देश बंधु पावना कॉलोनी काटुआ और यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हैं ये बन रहा है विक्टोरिया। तो संग में रहिए दिखाते हैं यहाँ पे कितना काम रेडी हुआ है। सो संग में रहिए। सो देख सकते हैं यहाँ पे विक्टोरिया बन रहा है और जो है पूरा जो है थर्मोकोल का काम किया जा रहा है। नीचे यहाँ पे पूरा जो है थर्मोकोल का काम किया जा रहा है और चारों तरफ जो है थर्मोकोल बिछा हुआ है। सो देख सकते हैं यहाँ पे। सो अंदर भी जो है टोटल ये सारे जो चीज़ देख रहे हैं ये सारे चीज़ जो है थर्मोकोल से बनाया गया है। देखिए और देखिए तो ये सारे जो है ये अभी तो पता नहीं चलेगा, ये रेडी हो जाएगा पंडाल उसी के बाद पता चलेगा ये कितना खूबसूरत बन रहा है। फिलहाल तो काम जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। देखिए ऐसे करके इसको लगाया जा रहा है। सो यही था विक्टोरिया पंडाल। सो चलते हैं नेक्स्ट पंडाल के तरफ। सो संग में रहिए। यही है मस्ती टाइम। सो हम लोग एक एक करके मारेंगे। चलो एक एक करके किसका लगता है व्लॉग में। चलो ये है हाँ इसका नहीं लगा मेरा ए तुम्हें धरो एटा धरो लग लो ना ए नीचे बसो नहीं भाई रंजित दार पाला दादी तो ये लागी दीचे रंजित दार लागी दीचे टाटा 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 টাটা টাটা হ্যাঁ চেষ্টা করব চলো বিসর্জনের দিন শিওর আসবে ঠিক আছে বিসর্জন সেই রবিবারে হ্যাঁ রবিবারে আড়ং কবে
मंकीज है चारों तरफ। ऊपर हम पंडाल में दिखाए, यहाँ पे वहाँ बाहर है। और देखिए ऊपर छत में भी बैठा हुआ है बच्चे को लेकर। अच्छा सबके हाथ में बच्चा है, किसी के हाथ में बच्चा नहीं। यही देखिए चारों तरफ जो है मंकीज जो है बैठा हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पंडाल की तरफ, संग में रहिए। हम लोग जो है अभी कछाड़ी रोड जो है वो पकड़ के जा रहे हैं काटवा, और इसके जो बीच बीच में बहुत सारा छोटा छोटा पंडाल हो रहा है उसका जो हम लोग डिटेलिंग वीडियो नहीं किए, बट आप जब रोड में आएंगे तो ऐसा आपको बहुत सारे पंडाल देखने को मिलेगा। सो आ गए हम लोग जोनो कुल्लन। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे तो यहाँ पे भी काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये थीम बताया जा रहा है जो एक घोष्ट के ऊपर एक थीम बन रहा है। सो यही है क्लब का नाम है जोनो कुल्लन। बस ज़्यादा कुछ अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बस रेडी होगा अभी तक। सो चलिए अंदर, शायद एक मूर्ति रखा हुआ है, देखिए शायद यही मूर्ति है, पता नहीं। अभी तो कोई कॉमेडी का आदमी है नहीं किससे बात करे। सो बस यही है। सो हम लोग जो है जा रहे हैं गोयनका मोड़ सर्कस मैदान, और यहाँ पे जो पंडाल बन रहा है वो है बुर्ज खलीफा। चारों तरफ बुर्ज खलीफा, चारों तरफ किशननगर कोलकाता विराटी कल्याणी। अभी जो इस कार्तिक पूजा में जो बन रहा है वो है, एक बन रहा है बांसबेड़िया में बुर्ज खलीफा, एक बन रहा है काटवा में बुर्ज खलीफा। चारों तरफ इस साल जो है चारों तरफ बुर्ज खलीफा ही बुर्ज खलीफा। सो आ गए हम लोग सर्कस मैदान यूनिक क्लब, और यहाँ पे बन रहा है बुर्ज खलीफा, चारों तरफ बुर्ज खलीफा ही बुर्ज खलीफा। सो चलिए दिखाते हैं आपको काटवा का बुर्ज खलीफा। सो ये भी जो है ये काफ़ी ऊंचा बनाया जा रहा है, लगभग इनका जो काम है लगभग 50-60% कंप्लीट हो चुका है। अभी लाइट लगना बाकी है, और ऊपर का जो है ऊपर का फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। लाइट कुछ लाइट जो है ऊपर इंस्टॉल भी हो गया, कुछ लाइट जो है अभी बाकी है। अभी लाइट ऊपर से जो है लाइट इंस्टॉल किया जा रहा है, और शायद कल रात से ही यहाँ पे जो है लाइटिंग चेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एलुमिनियम का काम हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्लास यूज़ किया है वह ओरिजिनल ग्लास यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जो ऊपर जो है वहाँ पे फॉइल यूज़ किया जा रहा है, फॉइल जो है सेटिंग किया जा रहा है। तो ये जो है इसका हाइट जो है 115 फीट बताया जा रहा है। सो 115 फीट का है, और साइड में भी इस साइड तो लाइट लगी गया है, इस साइड में भी लाइट लग रहा है। फिनिशिंग टच ही हो रहा है, अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। और यहाँ पे भी जो है सब लाइट जो है अभी यहीं पे रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हर साल जो है बताया जा रहा है कि हर साल जो है ये ऐसा ही मूर्ति बनता है, और काली पूजा होता है, और ये जो है कार्तिक मेन जो पूजा है कार्तिक, वो नीचे बैठा हुआ है। सो ऊपर देख सकते ऊपर जो है एक झाड़ लगा हुआ है, छोटा सा झाड़ लगा हुआ है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यह हर साल जो है यहाँ पे ये सेम मूर्ति ही बनता है, यहाँ पे मूर्ति जो है इसी कैटेगरी में बनता है, और जैसे कि बताया जा रहा है। अच्छा, और इनको जो है साइड में जो है लोकनाथ बाबा जी को बनाया गया है, लोकनाथ जी को। और यहाँ पे जो है यहाँ पे चैतन्य देव को बनाया गया है, और ये है मूर्ति है। ये एग्जिट यहाँ से ही होगा एग्जिट, यही है सर्कस मैदान काटवा सर्कस मैदान यूनिक क्लब का बुर्ज खलीफा जो पीछे आप देख रहे हैं, देखिए बुर्ज खलीफा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पंडाल के तरफ, संग में रहिए। सो ये जो आप देख रहे हैं ये है सोमनाथ टेंपल बन रहा है, और जो है
और ये जगह का नाम है विद्यासागर पल्ली और क्लब का नाम है विद्यासागर संघ। विद्यासागर पल्ली का विद्यासागर संघ का मतलब विद्यासागर पल्ली इस जगह का नाम है और विद्यासागर संघ जो है क्लब का नाम है और वहाँ पे इस साल बन रहा है सोमनाथ का सोमनाथ टेम्पल। सो देखिए बस देखिए और ऐसे बताया जा रहा है कि इस तरफ जो है ये सब इस तरफ भी लाइटिंग लगेगा, इस तरफ भी लाइटिंग और इस तरफ भी यहीं पे लाइटिंग लगेगा और आगे जो है आगे वाला जो है स्टेशन का रोड है और स्टेशन का रोड से सीधा हम लोग आएंगे इसी पंडाल में। ये एक परमानेंट मंदिर है, टेम्पल है, फिर वहाँ पे जो है डेली का पूजा जो है वो हो रहा है, यही है वो टेम्पल। अभी जो है हम लोग है स्टेशन रोड में और यहाँ पे आए हैं तो सोचा चाय भी पी के जाए ट्रेन में चढ़ने से पहले। अजीब से चीज़ हमको अभी देखने को मिला इसलिए सोचा कि इसको भी ऐड करते हैं। चाय आप यहाँ पे फ्री में मिलता है, चाय सच में फ्री में मिलता है। आपको सबसे पहले 5 रुपये देके ये भाड़ खरीदना है, भाड़ का दाम है 5 रुपीज़ और ये भाड़ खरीद के आपको पीछे जो चाय दिख रहा है वहाँ पर चाय, उसका बगल वाले दुकान में भाड़ मिलता है और यहाँ पर जो है आपको चाय लेना पड़ेगा। ये चाय का पैसा नहीं लगेगा, एक्चुअली लगता है भाड़ का पैसा 5 रुपया। तो चलिए भाड़ तो मिल गया, अभी चाय लेते हैं। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, ये एक बार ही चाय मिलेगा ये दो? अच्छा ठीक है एक बार चाय मिलेगा। सो चलिए क्योंकि भाड़ मेरे पास अभी घुटा है, भाड़ नहीं टूटा तो शायद दो बार मिल जाए। चलो एक बार ही मिलेगा, चलो तो देखिए हम ये है मेरा भाड़। चलिए ये मेरे भाड़ में चाय गिर गया, तो ये है मेरा चाय जिस चाय फ्री में मिला बट भाड़ का दाम है 5 रुपया। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो चाय जो है मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत ख़राब भी नहीं है, बस मीडियम। 5 रुपया का चाय 5 रुपये का जैसा, बस यही है। ये जो आप देख रहे हैं ये है काटवा का फर्स्ट नैरो गेज लाइन का जो इंजन है वो जो स्टेशन के बाहर जो है रखा हुआ है। लोगों ने देखा इतना सारा पंडाल जो कि बन रहा है इस साल कार्तिक पूजा में काटवा में। सो चलिए बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काटवा स्टेशन से शुरू किए थे और काटवा स्टेशन में ही आके ख़त्म कर रहे हैं। सो पीछे जो आप देख रहे हैं स्टेशन, सो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो ये वीडियो अगर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल कलकाटू कोलकाता। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट और बंगाली में बोले तो आबार देखा होगे टाटा।